लोग कहते हैं वो 4000 वर्षों तक जिए। लोगों का कहना है कि इस पेड़ को अगस्त ने 6000 साल पहले लगाया था। इसे डोडा सेम्पिगे कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनि ने इस लिंग के साथ अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ा था। केदारनाथ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर कांति सरोवर के तट पर योग विज्ञान की पहली दीक्षा दी गई थी। उस जगह को कांति सरोवर कहते हैं। कांति सरोवर यानी कृपा की झील। It was named as the Lake of Grace. उसे कृपा की झील नाम दिया गया था क्योंकि इस झील के किनारे पर पहला योग कार्यक्रम हुआ था। 12 से 15 हजार साल पहले जब आदि योगी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में दिखाई दिए, हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि लोग आकर्षित होने लगे और लोग वहीं बैठ गए। पर वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने आंखें बंद की और वहीं बैठ गए। लोग इंतजार करते रहे। वो बस ऐसे ही महीनों तक वहीं बैठे रहे बिना हिले। लोगों को समझ आया कि अगर कोई इस तरह बैठा है तो वो जरूर अपने शरीर और भौतिक प्रकृति के परे होगा, नहीं तो ऐसे नहीं बैठ सकता। सिर्फ 7 लोगों को ये बात समझ में आई और वो वहीं बैठ गए। भारत में इन 7 लोगों को आज सप्तऋषि या 7 दिव्य ऋषियों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उन्हें कुछ शुरुआती साधनाएं दी और कहा, आप तैयारी करें फिर देखते हैं। एक दिन जब शिव का ध्यान उन पर पड़ा तब उन्होंने देखा कि ये चमकते हुए पात्रों की तरह हो गए हैं। जो आत्मज्ञानी है जब वो ऐसे चमकते हुए प्राणी देखता है तो वो चुप नहीं रह सकता। शिव ने देखा ये लोग वाकई तैयार हैं और तब वो कांति सरोवर के तट पर बैठ गए और उन्होंने योग विज्ञान की व्याख्या करनी शुरू कर दी। इस विज्ञान और इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए और इसे अपने मानवीय रूप का एक हिस्सा बना लेने के लिए वो लंबे समय के लिए हाइबरनेशन या सुषुप्तावस्था में चले गए। उनमें से सबसे प्रमुख ऋषि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने दक्षिण की यात्रा करना चुना, उन्हें अगस्त्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक स्थान में जाकर अपनी साधना करनी शुरू कर दी। किंवदंतियों का कहना है कि वो हजारों वर्षों तक उस जगह में हाइबरनेशन की स्थिति में रहे और फिर जब वो उससे बाहर आए तो उन्होंने उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लिया था। तार्किक या बुद्धि के स्तर पर नहीं बल्कि अपने खुद के मानव तंत्र में गूंजने वाली एक प्रक्रिया के रूप में। फिर उन्होंने दक्षिण जाने के अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया और वो 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख बन गए क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में जबरदस्त जोश के साथ योग विज्ञान को फैलाया। और जितना मैंने सुना है उन्होंने देश में शायद 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए, जिनके अलावा कई दूसरी छोटी जगहें भी हैं, पक्के आश्रम जहां साधना होती थी। और उन्होंने उन स्थानों पर कोई गुरु स्थापित किए ताकि साधनाएं चलती रहें। उन्होंने देश भर में 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए ताकि आध्यात्म रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, जिस ऊर्जा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने चीजें संभाली, ये कई मायनों में बड़ा महामानवीय है। कई मायनों में अगस्त्य ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब करीब दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का जनक कह सकते हैं। अगस्त्य के माध्यम से दक्षिण भारत में योग का एक विशेष रूप सामने आया। लोग कहते हैं कि वो 4000 वर्ष तक जीवित रहे। हमें नहीं पता कि वो 4000 वर्ष जीवित रहे या नहीं, पर निश्चित रूप से वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहे। अगर आप उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कामों की मात्रा देखें
तो ऐसा नहीं लगता कि वो 100 वर्षों में मर गए होंगे। कम से कम वो 400 साल जीवित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं जिन्हें एक छोटी समय सीमा में करना संभव नहीं है। आज हम जेट विमान से और गाड़ी चलाकर यहां वहां जाते हैं। समझिएगा, हम कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। पर अगस्त ने पैदल चलते हुए इतनी सारी यात्राएं की कि किसी के लिए भी सामान्य इंसानी उम्र में इतना सारा काम करना असंभव है। पक्का वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, शायद 400 साल रहे होंगे, या शायद 4000 साल, या तो लोगों ने एक और जीरो जोड़ दिया होगा। आखिरकार जीरो है। पर उन्होंने अतुलनीय काम किए थे। ये अगस्त मुनि ही थे जिन्होंने कार्तिकेय के क्रोध पर काबू पाया था। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो अपने पिता से दूर जाना चाहते थे। तो वो बड़े क्रोध में दक्षिण की ओर चल पड़े और वो एक योद्धा बन गए। कई मायनों में वो एक बेजोड़ योद्धा थे। वो जीतते चले गए। वो शासन करने के लिए लोगों को नहीं हरा रहे थे। उन्हें जो कोई भी अन्यायपूर्ण लगा वो उसका वध करते चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और वो न्याय लाना चाहते थे। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको सब कुछ अन्यायपूर्ण लगता है ना? अगर गुस्सा आ जाए तो आपको हर छोटी छोटी बात पर लगेगा कि आपके साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत अन्याय है, तो इसलिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला। तो उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और वो दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। ये अगस्त ही थे जिन्होंने उनके इस क्रोध को उनके आत्मज्ञान का साधन बना दिया। और अंत में कार्तिकेय ने सुब्रह्मण्या में विश्राम पाया। तो आखिरी बार उन्होंने सुब्रह्मण्या में अपनी तलवार धोई और कुछ समय के लिए वहां बस गए। और फिर कुमार पर्वत पर जाकर उन्होंने सीधे खड़े खड़े महासमाधि ले ली। So, this great art of transforming Kartikeya's anger into a means for his enlightenment was Agastya's work. Kartikeya ke krodh ko unke atmgyan ke sadhan mein badalne ki ye mahan kala, ye Agast ka hi kaam tha. Aur dakshin Bharat ke ye sabhi siddh log, wo sabhi Agast ki hi parampara se jude hue hain. एक तरह से हर वो चीज जो मैं कर रहा हूं वो अगस्त के काम का ही एक छोटा सा विस्तार है। उन्होंने एक जबरदस्त महल बनाया है, हम उसमें बस एक और कमरा जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का एक अलग ही स्वाद है, जो कि अगस्त मुनि की वजह से ही है। तो उन्होंने बाकी 6 की तुलना में सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र को रूपांतरित करने का फैसला किया और उसे कई अलग अलग तरीकों से रूपांतरित किया। उन्होंने ये पक्का किया कि अध्यात्म का एक तत्व हर किसी के जीवन में हो। यह शायद अब कम हो रहा है, पर फिर भी अगर आप पिछली पीढ़ी को देखें तो आज भी यह काफी हद तक मौजूद है। यहां तक कि दक्षिण भारत में या उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कहीं भी आप एक साधारण किसान को भी देखें तो आप पाएंगे कि एक साधारण किसान में भी अध्यात्म का कुछ तत्व है। यह अगस्त का काम था। दिस इज एन एरिया वेयर अगस्त्य मुनि वॉक्ड। Probably he even visited this temple. Either himself. ये एक ऐसी जगह है जहां अगस्त मुनि चले थे।
शायद वो इस मंदिर में भी गए थे, या तो वो खुद या शायद उनके लोगों में से कोई एक, क्योंकि इस लिंग की प्रकृति अगस्त के काम करने के तरीके से मिलती जुलती है। तो या तो वो खुद या उनके जैसे किसी व्यक्ति ने या उनके सिलसिले के किसी व्यक्ति ने इस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है। ये शुद्ध क्रिया है, यानी शत प्रतिशत ऊर्जा का काम, और कुछ भी नहीं, ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र, कुछ भी नहीं, ये 100% ऊर्जा का काम है। मैं भी ऐसा ही हूँ, बस यही एक चीज़ है जो मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ ऊर्जा के आधार पर जीवन को एक आयाम से दूसरे आयाम में रूपांतरित कर सकता हूँ। मैं कोई जप नहीं जानता, मैं कोई अनुष्ठान नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। बिना किसी अनुष्ठान के समझिए कि ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदलना। आपको पता है गुप्त काशी का क्या मतलब है? गुप्त यानी छुपा हुआ, काशी यानी आप वाराणसी जानते हैं, आपने वाराणसी के बारे में सुना? काशी सभी पवित्र नगरियों में सबसे पवित्र है और शिक्षा के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। ये एक ऐसा स्थान था जहां एक समय में हजारों आत्मज्ञानी रहते थे। आप जिस भी गली में जाएं, आपको एक प्रबुद्ध व्यक्ति मिल जाता था। तो काशी यानी सबसे पवित्र, तो वो मुख्य काशी है, और केदार के ठीक बाद है गुप्त काशी यानी छुपी हुई काशी। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। There are a whole lot of stories like this about Agastya's journey down south. अगस्त की दक्षिण यात्रा के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जब वो दक्षिण की ओर जा रहे थे तब उनकी मुलाकात विंध्याचल से हुई। विंध्य भारत में एक और पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय की तुलना में बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भूगर्भीय है, जियोलॉजिकल रूप से बहुत ही युवा पर्वत है, तो विंध्याचल और ज्यादा पुराना पर्वत है। ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। तो सभी पहाड़ों के बीच हिमालय को पहाड़ों का राजा चुना गया था। तो जब अगस्त दक्षिण की ओर जा रहे थे तब विंध्याचल क्रोधित हो गए और उन्होंने अगस्त को रोक कर कहा, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप हिमालय को राजा कैसे बना सकते हैं? वो मेरी तुलना में सिर्फ एक बच्चा है, आप उसे राजा कैसे बना सकते हैं? अब अगस्त जानते थे कि अगर एक पर्वत गुस्सा हो गया तो ये बुरा हो सकता है। जब एक आदमी को गुस्सा आता है तब भी बहुत बुरा हो सकता है, पर जब कोई पहाड़ क्रोधित हो जाए तो पता नहीं वो क्या करेगा। अब अगस्त वहां बैठे तो विंध्याचल, जो कि एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अगस्त को प्रणाम किया। तो अगस्त ने कहा, बस ऐसे ही रहें, वहीं रहें, मैं दक्षिण की ओर जाकर वापस आऊंगा, फिर हम आपकी समस्या को समझेंगे। तो विंध्याचल झुका रहा और अगस्त के वापस आने की प्रतीक्षा करता रहा। अगस्त कभी वापस नहीं आए। अगली बार जब वो उत्तर गए तो वो दूसरे रास्ते से गए, जगन्नाथपुरी के रास्ते से, सिर्फ विंध्याचल से बचने के लिए, ताकि वो वश में रहे और ज्वालामुखी बनकर फट ना जाए। तो विंध्याचल बहुत छोटा रह गया। वो छोटा है क्योंकि वो झुका हुआ है। हिमालय ऊंचा है क्योंकि वो खड़ा है और अभी भी बढ़ रहा है। कहीं भी दक्कन के पठार में अगर आप यात्रा करें तो लगभग हर जगह आप गांव में देखेंगे, कोई कहेगा ये वो गुफा है जहां अगस्त ने ध्यान किया था, ये वो स्थान है जहां अगस्त ने ऐसा किया था। बीआर हिल्स के सभी स्थानों में, जिसे बिलीगिरी रंगन बेट्टा कहते हैं, जो कर्नाटक में चामराजनगर जिले में स्थित है, सो इन बीआर हिल्स देयर इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ, तो बीआर हिल्स में एक जगह है जहां एक सैंपिगे के पेड़ को क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैंपिगे, चंपका कहते हैं क्या? ठीक है, ये एक बड़ा खुशबूदार फूल होता है। ये एक पेड़ लोग कहते हैं अगस्त मुनि ने लगाया था। ये पेड़ पक्का बहुत ही अविश्वसनीय रूप से पुराना है। ये पूरी तरह से गांठदार हो गया है और ये अपनी तरह के किसी भी पेड़ से बहुत पुराना दिखता है।
लोगों का कहना है कि इस पेड़ को अगस्त ने 6000 साल पहले लगाया था। इसे डोडा कहते हैं, डोडा सेम्पिगे, क्योंकि डोडा सेम्पिगे यानी बड़ा सेम्पिगे, ये इतना बड़ा है। और अगस्त ने यह पेड़ लगाया था और वो कुछ समय तक वहीं रहे थे। कावेरी नदी में एक बीच का बिंदु है, तो उन्होंने बिल्कुल सटीक मध्य बिंदु की पहचान की और अगस्त मुनि ने एक लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि मूल रूप से उन दिनों के किसी पारंपरिक मिश्रण और रेत से बना है। तो ये एक रेत का लिंग है जो आज भी बरकरार है, शारीरिक रूप से ही नहीं, हर तरह से बरकरार। इसे कावेरी की नाभि के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये मध्य बिंदु है। और उन्होंने जो बनाया है, काश मेरे पास यहां बिताने के लिए थोड़ा और समय होता, पर यह धमाकेदार है जैसे कि इसे कल ही बनाया हो, और यह अविश्वसनीय है। ये हमारा वंश है, ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनि ने इस लिंग के पास अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ा था और अपने मानसिक शरीर या मनोमय कोश को कहां, मदुरै या विरुद्धनगर के पास कहीं एक जगह है जहां उन्होंने अपना बौद्धिक या मानसिक शरीर छोड़ा था, पर उन्होंने कार्तिकेय की मदद ली और अपने भौतिक शरीर को कैलाश ले गए जहां शिव मौजूद थे और उसे वहां छोड़ दिया। ये अंत समय में चीजों को करने का एक शानदार तरीका है। कैलाश मेरे लिए एक जबरदस्त आध्यात्मिक पुस्तकालय की तरह है। लोग कहते हैं ये शिव का निवास था, ये शिव का निवास है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी वहां बर्फ पर नाचते हैं। इसका मतलब कि हर वो चीज जो वो थे, इस जगह में वो निवेशित है, न केवल वो बल्कि हर कोई जो आया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगस्त्य मुनि ने, हमें पता है, कैलाश में अपनी ऊर्जा का निवेश किया था, तो अगस्त्य ने कैलाश के दक्षिणी हिस्से में अपना सब कुछ निवेश कर दिया। ये अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय यानी बिल्कुल अविश्वसनीय। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से तो इसके लिए शब्द ही नहीं है, पर शक्ति और ऊर्जा की दृष्टि से भी ये बिल्कुल अतुलनीय है। तो अगस्त्य दक्षिणी रहस्यवाद का स्रोत है। मैं जो कुछ भी हूं, उसका स्रोत अगस्त मुनि ही है। आप कह सकते हैं मैं बस उनका एक नाखून हूं जो फिलहाल आपके जीवन को कुरेद रहा है।